पाप नहीं है, किंतु भूल अवश्य। अपने संतान की भूख मिटाना भूल कैसे हो सकती है चिच्ची? एक कर्म कांड के लिए मैं अपने संतान को और भूखा ना रख सकती। आपको तो पता है मैंने इस क्षण के लिए कितनी प्रतीक्षा की है, कितना तरसी हूं मैं। जब जब मैं संसार भर की मैया को देखती थी अपनी संतान को गले लगाते हुए, उन्हें दूध पिलाते हुए, तो मैं मन ही मन यही प्रार्थना करती थी कि मैं कब मैया बनूंगी, कब मैं अपने तन अपने रक्त से अपने संतान का पोषण करने का अनुभव करूंगी। और आज जब ये अनुभव करने का अवसर आयो है, मेरा लल्ला सामने है, भूखो है, तो तुम मुझे रोक रही हो चिच्ची? यशोदा, प्रतीक्षा के वो दिन बीत गए, अब तुम मैया हो और ये मैया अपने संतान का हित चाहती है ना बहन? शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन काल में 16 संस्कारों का विधान होता है, जिन्हें पहले ही पूर्ण किया जा चुका है जब तुम्हारा लल्ला तुम्हारे गर्भ में था। अब जात कर्म संस्कार करना है। तुम्हारे लल्ला और हमारे प्रिय नीलमणि के लिए अत्यधिक लाभदायक है ये। किसी भी कार्य को करना आवश्यक अवश्य होता है, किंतु उसे सही ढंग से करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण। तुमने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है, अब क्या अपने लल्ला के भविष्य के लिए कुछ देर और प्रतीक्षा नहीं कर सकती? मैंने सदानंद जी को सूचना भिजवा दी थी, वो संस्कार पूर्ण कराने के लिए शास्त्री जी को बुलाने उनके घर गए हैं। शीघ्र ही आ जाएंगे ना वो? बस आते ही होंगे। मैया, मैं भूखा तो हूँ पर प्रतीक्षा कर सकता हूँ। अब और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, बाहर उपनंद जी ने भी तो सारी तैयारियां करवा दी है, गोकुलवासी भी तो हमारे लल्ला के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। मैं बाहर जाकर सबसे मिलता हूँ। मैं भी मेरे पुत्र को देख कर आती हूँ। अवश्य भैया को अपनी त्रुटि का अनुभव हुआ होगा, तभी तो उन्होंने। नहीं देवकी, ये भूल सुधारने का प्रयत्न नहीं है, ये तो श्री योगमाया की चेतावनी का परिणाम है। मृत्यु तीव्र गति से तेरी ओर चली आ रही है कंस, यदि इसे तनिक भी टालना चाहता है तो अपने दुष्कर्मों की क्षमा मांग, अपने पापों का प्रायश्चित कर और निर्दोष देवकी और वसुदेव को इसी क्षण मुक्त कर, वरना अपने भाग्य का उत्तरदायी तू स्वयं होगा। हमारा अष्टम पुत्र उसे मिलता तो कंस उसे भी क्रूर मृत्यु दे देता, उसे नहीं मिला इसीलिए उसने हमारे चरण पकड़ लिए। बदलना उसका स्वभाव नहीं है देवकी, उसे आकाश पाताल एक क्यों ना करना पड़े, वो हमारे अष्टम पुत्र को ढूंढने का प्रयत्न अवश्य करेगा। मेरा छोटा सा नीलमणि, भूख बहुत अधिक कष्ट तो ना दे रही? नहीं मैया, मैं और प्रतीक्षा कर सकता हूँ। अब लग रहा है ये बढ़िया। अरे सुनो, गेंदा कम पड़ जाए तो वहां से ले आना दौड़ के, ठीक है? अरे मैया, तनिक जोरों से हाथ चलाओ, शाम को उत्सव है। जानकी कस्तूरी, तनिक शीघ्र हाथ चलाओ, यदि गोकुलवासी लल्ला के दर्शन करके चले गए तो तुम दोनों को ही इन्हें घर घर वितरण करने जाना पड़ेगा। गोकुल के प्रत्येक प्राणी का मुंह मीठो होना चाहिए, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना। जी भैया। पंडित जी आ गए क्या? जी जी, ये ठीक लग रही है ना?
बस तो फिर इसके साथ की चोली और मिल जाए। इतनी देर क्यों लग रही है पंडित जी को? यहाँ मेरा लल्ला भूखो है और जैकी। सुनो 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 सुनो, शास्त्री जी पंडित सदानंद जी को लेकर घर से निकल चुके हैं, किसी भी क्षण यहाँ पहुंच जाएंगे। बस उनके द्वारा जात कर्म संस्कार के पूरे होते ही आप सभी लोग नंदलाला से मिल सकते हैं। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके एक एक पांच में खड़े हो जाइए। पंडित जी ना हुए महाराज हो गए, पता ना कब पहुंचेंगे और कितनी देर भूखा रहेगा मेरा लल्ला। मैया मुझे दूध पिलाने के लिए कितनी व्याकुल है। एक क्षीर समंदर माँ के अंदर ना ममता की था, परंपरा से बंध कर तड़पे इसके मन की चाह। सबसे पहले लल्ला को तो मैं ही देखूंगा। यशोदा और नंद जी को लल्ला हो गयो और मुझे अब पता चल रहा है। चलो हटो हटो। अरे रुको रुको रुको, पीछे देखो सब पाथ में खड़े भए हैं। जब तुम्हारी बारी आएगी तभी अंदर जाओगी। तुझे पता भी है मैं कौन हूँ? कहीं की महारानी तो नहीं दिख रही वैसे, और यदि होती तो भी ये नंद राज का गोकुल है, यहाँ सभी कार्य नियम से होते हैं। चलो जाओ, जाके खड़ी हो जाओ पीछे। इतना अधिकार तो मेरे पति को भी ना दियो है मैंने। ओहो इतना अभिमान है, पांच तोड़ के लल्ला को देखने को। देखो हमारे जीते जी नहीं जाने दूंगो। चल हट। क्यों रे, इतने प्यारे लड्डू बने हैं, यशोदा जी को लल्ला हुआ है और तू मुझे बताने भी नहीं है। अरे ढोल बज गया, पूरे गोकुल में घोषणा हो गई चाची, तुमको फिर भी पता नहीं चला? नहीं तो उल्टा मुझसे प्रश्न कर रही है। शुभ समाचार बताने तुझे घर आना चाहिए कि ना चाची? अरे चाची चाची, सुलक्षणा मेरा लल्ला भूख से तड़प रहा है और पंडित जी जाने कहाँ रह गए, और तू मेरे भूखे लल्ला के सामने जो लड्डू खा रही है। कितना प्यारा है ये छोटा सा भोला भाला। शीघ्र ही आपका ये विचार बदल जाएगा, अब मैं जो आ गया हूँ आपको परेशान करने। देखा यशोदा जी देखा, आपका लल्ला कितना प्रसन्न है मुझे देख के। अच्छा यशोदा, सदानंद जी शास्त्री जी को लेकर पधार गए। हे नारायण आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी शास्त्री जी, ये है हमारा लल्ला। अद्भुत अभूतपूर्व, ऐसा तेजस्वी बालक मैंने आज तक ना देखो। इसका जात कर्म करवाना मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। शास्त्री जी अब प्रारंभ करते हैं, मेरा लल्ला बहुत समय से भूखो है। नंदराज अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। नंदराज अब आप लल्ला को अपने गोद में लीजिए। पंच दोष से मुक्ति हो, मिले सुख समृद्धि अपार, जन्म के बाद जो पिता करे जात कर्म संस्कार। वक्रतुंड महाकाय
सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। विष्णु, क्या लगता है तुझे कि तू मुझसे बच गया है? मुझे मूर्ख बनाकर कहीं और जन्म ले लिया तुमने, तो क्या मैं अपनी पराजय को स्वीकार कर लूं? क्या अपनी विनाश की राह में पलक पावड़े बचाकर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करूं मैं? विष्णु, इस लौकिक संसार में अपने पुत्र का स्वागत करो नंदराज। जिस पुत्र का नाता अब तक केवल अपनी मां के गर्भ से था, ऐसे पुत्र का स्वागत जब एक पिता इस संसार में करता है, तो वो कितना विलक्षण, कितना अद्भुत दृश्य होता है। ऐसे महान क्षण की साक्षी बनने के लिए मैं भी अत्यधिक उत्साहित हूं। घी और शहद में डुबो के नंद जी सोने का तार, ओम बनाकर पुत्र जीवा पर दे रहे प्रथम आहार, दे रहे प्रथम आहार। क्या हुआ मुझे? अचानक अपने भीतर इतनी शक्ति का अनुभव क्यों कर रहा हूं मैं? सामान्य रूप से इस संस्कार में पिता अपने पुत्र को पोषक तत्व खिलाता है। मानसिक तीव्रता और उत्तम स्वास्थ्य के लिए श्री नारायण से प्रार्थना करते हैं और उसे अपना आशीर्वाद देते हैं, किंतु जो स्वयं समस्त विश्व के नियंता को पोषक तत्व अर्पित कर रहा है, उसे श्री हरि से उत्तम स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक बल का वरदान तो मिलना ही है। जानती हूं जे सब आवश्यक है, किंतु घी और शहद की एक छोटी सी बूंद से क्या होगा? इससे तो नीलमणि की भूख और बढ़ जाएगी। अब बस ये सब शीघ्र ही समाप्त हो जाए। अब नाल छेदन की प्रक्रिया होगी। सब हो गया। इस नाल का थोड़ा भाग सोने या चांदी के कुंडे में संभाल के रखना यशोमती, और उसे लल्ला के कमर में बांध देना। बालक की नाल में मूल कोशिकाएं होती हैं। भविष्य में इसके स्वास्थ्य में कोई भी आपदा विपदा आएगी तो ये काम आएगा। बधाई हो, बधाई हो यशोमती रानी, बधाई हो नंदराज। इतनी इतनी आसानी से विजय नहीं मिलेगी तुझे। कंस हूं मैं, महामहिम कंस, तेरे अवतार का वो हश्र करूंगा
के देश दाना माना सभी देखते रह जाए। मारूंगा तेरा अवतार जहां भी छुपा होगा ढूंढ निकालूंगा और उसे ऐसी मृत्यु दूंगा आने वाली पीढ़ियां मेरे भय से अपनी माओ के कोख में कांप उठेंगी। अनाज और आभूषण के साथ ढेर तैयार है, कृपया आप इन्हें ग्रहण करें और हमारे लल्ला को असीमित आशीर्वाद प्रदान करें। बालक आयुष्मान हो। आप सभी प्रसन्न रहें, आपके समस्त कुल पर श्री नारायण की विशेष कृपा हो। अरे भैया लो। ना जीजी, मेरा लल्ला अब तक भूखा है। नंदराज, अब आप जमुना में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके डुबकी लगाओ और जब मैया और बालक स्वच्छ और शुद्ध हो जाएंगे तत्पश्चात यशोदा रानी अपने लल्ला को दूध पिला सकती है। ये है मैया, केवल एक ही चिंता है इन्हें, कैसे अपने लल्ला को दूध पिलाए, कैसे उसकी भूख मिटाए। यही तो है वो ममता जिसके लिए आपने ये जन्म लिया है प्रभु। देख कष्ट मैया का व्याकुल हो नन्हे कन्हैया जग सम्मुख पर इनको दिखे बस यशोदा मैया दिखे बस यशोदा मैया। कहते हैं नारी का जीवन मैया बने बिना अधूरा होता है, मैं कब से अधूरी थी, तेरे लिए तड़पती थी, नारायण से प्रार्थना करती थी और सोचती थी नारायण मेरी आस पूरी क्यों ना कर रहे। किंतु प्रतीक्षा का फल मीठा होता है, देर से दियो पर जिसे दियो है वो जग में सबसे निराला है। तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया लल्ला, नारायण का बहुत बहुत आभार और तेरा भी जो तूने मुझे अपनी मैया के लिए चुनो है। आभार आपका जो आपने मुझे अपनी ममता का अनुभव करने का अवसर दिया मैया। यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया के नंदलाला, यशोमती मैया। आज मैं तुझे वचन देती हूँ लल्ला, सदैव सबसे अधिक प्रेम तुझसे करूंगी, स्वयं से पहले, समस्त संसार से पहले तेरा हित रखूंगी, सदैव तेरे साथ रहूंगी, तेरा ध्यान रखूंगी, तेरी रक्षा करूंगी,
आज से तेरा हर कष्ट मेरा है लल्ला। हाँ थोड़ी पगली अवश्य हूँ, किंतु तेरे लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बनने का प्रयत्न करूंगी मैं। जानती हो मुझे क्या लगता है मैया, संसार के सबसे अच्छे मैया लल्ला बनेंगे हम दोनों, सबसे अनोखे सबसे न्यारे। वर्षों तक सभी हमारी बात करेंगे, एक माँ की निर्मल ममता और संतान के लिए उसके प्रेम की जब भी चर्चा होगी, हमारा उदाहरण दिया जाएगा मैया। मुझे पाकर आप भाग्यशाली नहीं हुई मैया, मैं आपको पाकर भाग्यशाली बन गया हूँ। आपकी ममता, आपका दुलार, आपकी डांट, रूठना मनाना सब स्वीकार है मुझे, क्योंकि मुझे आपकी ममता का अनुभव करना है। मैया, माँ सृष्टि के साथ एकाकार हो रही है। क्या हो गया भाभी को? यशोदा मैया की अंतर ज्योति प्रकृति के मूल प्रकाश के साथ मिल रही है, उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है। परंतु आप ये नहीं चाहते थे कि मैया या किसी और को आपके दिव्यता के विषय में पता चले। आप सही कह रही हैं देवी, परंतु बालक नीलमणि को तो पता ही नहीं है कि उसके कारण क्या हो रहा है। वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है,
किंतु अभी उसे अपनी दिव्यता को छुपाना नहीं आता। मेरे अवतार को दूध पिलाने के इस सामान्य कार्य ने ही उनके सभी दोषों से उन्हें विहीन कर दिया है। वो मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति में आ गई हैं। कुछ कीजिए प्रभु, ऐसा ना हो कि आपके मानव जीवन की यह अद्भुत कथा प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाए। आपके अवतार लेने का सर्व प्रमुख उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। समय बीता जा रहा है प्रभु, योगमाया ही अब सहायता कर सकती है। उनका आवाहन कीजिए, कुछ कीजिए। प्रभु तो स्वयं ही चले गए, इतना महत्वपूर्ण है उनके लिए माँ की ममता को अनुभव करने का ये अवसर कि छोटे से छोटे संकट को भी पाऊ का कंटक नहीं बनने देना चाहते हैं। जो देखा है भूल जाइए, जहां थे वहीं वापस चले जाइए। समय कम है, मैया यशोदा को अंतिम सत्य ज्ञात होने से पूर्व ही इन सभी की स्मृति बदलनी होगी। आज दिन में ही नींद आ गई। मुझे भी जाने कैसी झपकी सी आ गई। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगो। काल कभी किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु आज आपने काल की गति को ना केवल रोक दिया बल्कि पलट भी दिया। प्रभु ये अभूतपूर्व है। जो असंभव को संभव कर दे वही तो है माँ की ममता। तुला के एक पल्ले में संपूर्ण ब्रह्मांड रख दीजिए और दूसरे में रखिए केवल ममता, फिर भी दूसरा पल्ला ही भारी होगा। काल इस तुलना में सदैव हारेगा देवी। यदि युद्ध माँ की ममता से होगा तो कभी ना पीछे लौटने वाले कालचक्र को भी अपने पैर पीछे खींचने ही होंगे।
अब ये अद्भुत झांकी किसी को याद नहीं रहेगी और मेरी दिव्यता मैया के आंचल में छुप जाएगी। मैं यही हूँ, मुझे तो अपने पुत्र को दूध पिलाने जाना था। जे ऐसे क्या देख रहे हो सबके सब? मेरे लल्ला को फिर से दृष्टि लगाना है? अरे ग्रामवासी बाहर कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लल्ला को दर्शन के लिए बाहर ले जाना होगो। ना ना ऐसे ना नंद जी, पहले लल्ला को नहलाना पड़ेगो। अभी तो शुद्ध किया था लल्ला को, अभी फिर से नहलाना है? ना ना मेरा लल्ला अभी बहुत कोमल है। अबे और समय लगेगा, ऐसे लग रहा है जैसे नारायण जी के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारायण के दर्शन दुर्लभ ही होते हैं बोला। बोला सही कह रहा है। यशोदा चिंता ना करो, रोहिणी जी जी है ना, अनुभव है उन्हें, और फिर बाकी ये गोपियां भी तो हैं तुम्हारी सहायता के लिए। सभी गोकुलवासी सवेरे से हमारे लल्ला की एक झलक पाना चाहते। अब तुम ही कहो उन सबसे क्या कहूं मैं, और तुम्हारे रामू सबला सभी गाय बछड़े वो भी तो कितने आतुर हैं, जैसे तैसे करके उनको गौशाला भेजो है ताकि वो भोजन कर ले। सहायक उन्हें नहला दुलाकर लाते ही होंगे, तुम भी शीघ्र नीलमणि को नहला दो। तू तैयार है लल्ला? सच कहूं तो मैं तो ना हूं। अरे मैया, बड़ी से बड़ी महाप्रलय का सामना किया है तुम्हारे नीलमणि ने। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, मधुकैटभ, ना जाने कितने राक्षसों को धराशायी किया है मैंने। मैं भला साधारण से स्नान से क्यों डरूंगा? चलो। चलो चलो शीघ्रता करो जल्दी, यशोदा जी आती होगी लल्ला को लेके। यशोदा जी लल्ला के लिए पानी गुंदना करवा दियो है, और जीत जी उपटन की व्यवस्था भी हो गयो है, और जे रहा आपका अंगोछा नहाने के बाद ना लल्ला का तन पोछने के लिए। रोहिणी जी कहाँ है? वो अपने बालक को दूध पिलाने गई है, उसे सुला के आती होंगी। अरे आप चिंता काहे कर रही हो भाभी, मैं हूँ ना आपकी सहायता के लिए। कल तक तो स्वयं अंगूठा चूसती थी, बालक को नहलाना कैसे आ गया तुझे? यशोदा जी मैं बताती हूँ लल्ला को कैसे नहलाना है। सुलक्षणा चाची मुझे पता है, मैंने मैया को देखा है अपने भाई को नहलाते हुए। देखने में और स्वयं करने में अंतर होता है लाली। यशोदा जी आप ध्यान मत दो, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले लल्ला को तेल लगाकर थोड़ी मालिश करनी होगी। मालिश? किंतु मेरा लल्ला तो कितना छोटा है अभी, इसकी अस्थियां भी कितनी कोमल है। इसीलिए तो मालिश की जाती है जीजी, ताकि बालक शक्तिशाली बने। अरे आप मेरी सुनो, इधर उधर ध्यान दोगी तो हड़बड़ा जाओगी कि करना क्या है क्या नहीं। आप बैठो यहाँ पे। हाँ, और अभी पैर सीधे करो। हाँ, अब लल्ला को पैरों पर लिटा दो। चलना ऐसे नहीं, उल्टा उल्टा। अरे हाँ ऐसे ही होता है, आप मेरी बात सुनो। उल्टा क्यों? देखो सुलक्षणा चाची, मेरे साथ राह ठानोगी तो आगे चल के बहुत भारी पड़ेगा। हाँ नहीं तो। और तुम सब लोग खड़े क्या हो, जाओ जाकर तेल लेकर आओ। ना ना मेरे लल्ला को सांस लेने में समस्या होगी, मैं इसे उल्टा ना लिटाऊंगी। एक बार रोहिणी जीजी को आ जाने दो, फिर तय करेंगे क्या करना है। ये हुई ना बात, बस आप ही मेरी हितैषी हो मैया, इन्हें इनके षड्यंत्र में सफल मत होने देना। किंतु जीजी उनको आने में समय लग जाएगा, और बाहर सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे यशोदा जी आप मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा ही होता है। हे नारायण आप ही सहायता करो। प्रभु
अब क्या नहलाने भी आप ही जाएंगे? मैया घबरा रही थी इसीलिए मैं, किंतु मैया भी व्यर्थ ही चिंता कर रही है। मैंने कठिन से कठिन परिस्थितियों को संभाला है और देखो मैया साधारण सी मालिश और स्नान को लेकर चिंतित है। ये कार्य सत्य ही इतना कठिन होता है क्या? हमें शीघ्रता करनी होगी, बाहर सब बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नीलमणि को मुझे दे दो, चाची जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। भाभी आप नीलमणि को मुझे दे दीजिए, मैं संभालूंगी। तू भी बच्ची है कस्तूरी, पहले पल्लू संभालना सीख लो फिर बच्चा संभालने की बात करियो। मुझे तो अनुभव है, मुझे दे दीजिए मैं सब कर दूंगी। रोहिणी जी इतनी देर क्यों लग रही है आपको? ओ चाचियों मौसियों बस करो, आप सब मेरी मैया को डरा रहे हो। नारायण आप सहायता क्यों ना कर रहे, अब आप ही संभालो। मैया को हमारी आवश्यकता है, कृपया आप जाकर सहायता कीजिए। मैंने तो सदैव आपके चरणों की सेवा की है प्रभु, मैं कैसे आपको अपने पावों पर लेटा सकती हूं? योगमाया इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है और वो तो आपकी बहन है, बहन तो सदैव माँ की समान ही होती है ना? आप उचित कह रही हैं देवी, अब योग माया ही मेरी सहायता कर सकती हैं। देवी योग माया, देवी योग माया, देवी योग माया। समझ ही ना रही है, मैं सब कर सकती हूँ। किंतु मुझे अनुभव है जानकी, मैं कर लूंगी। अरे तुम चिंता मत करो, लेकिन नवजात बालक के लिए हाथ कोमलता से होनी चाहिए। आपका कोमल स्वभाव पूरे गांव को पता है चाची। कहना क्या चाहती है तू, सच सच बोल। नहीं नहीं बोल ना, बोल। बस करो सबके सब, करो सबके सब। सब यशोदा की सहायता करने आए हो या आपस में झगड़ा करने? मैंने आपकी कोख से जन्म तो लिया था माँ, पर आपका साथ आपका सानिध्य नहीं मिल पाया था मुझे, वही लेने आई हूँ। चलो हटो। चिंता मत करो मैं आ गई हूं यशोदा मैया। अरे ये तो आती ही अधिकार दिखाने लगी। बहन योगमाया बिल्कुल सही समय पर आई हो, इन सब ने तो मैया को परेशान ही कर दिया था। लो लल्ला को मुझे दो, मैं
मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। न जान न पहचान, पूरी तरह अनजान। यशोदा जी, इन्हें मत दो अपनी संतान। जीजी, ये बात तो सही है, हम में से कोई भी इन्हें पहचानता नहीं है। पहचानती है यशोदा मैया मुझे। पहचानती हो ना? विश्वास नहीं है मुझ पर? ना ना, यशोदा भाभी ना देने वाली लल्ला को। लल्ला के संबंध में जब हम पर विश्वास ना कर पा रही माई, फिर तुम पर कैसे करेगी? जाओ, जाकर बता दो सबको कि लल्ला सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहा है। मैं जाऊंगी सबसे पहले। चल जानकी, मैं भी। लल्ला आप सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहे हो? ना यशोदा मैया, तेल लगाने के बाद ही असली मालिश प्रारंभ होगी। अपने भाई की सहायता करने आने के लिए धन्यवाद बहन योगमाया। चिंता मत करना नीलमणि, तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी मैं। परेशान मत हो मैया, हम दोनों कुछ नया सीखेंगे आज, बहुत आनंद आएगा। करती रहो योगमाया। कोमलता से लल्ला के हाथ पैर को ऐसे दबाना होता है। मुझे तो लगा था ये सब आसान होगा। क्या कर रही हो योगमाया? मेरे तन को ऐसे क्यों मरोड़ रही हो? ऐसे पीठ की बारी है। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि ये अत्याचार समाप्त हुआ। है? अब मुझे उल्टा क्यों कर दिया? संभाल के योगमाया। आप चिंतित ना होइए। बाकी है क्या बहन? रीढ़ का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक होता है। मुझे पता नहीं था स्नान करना इतना कठिन भी हो सकता है। इससे आसान तो संसार संभालना है। वैसे तो एक माता अपनी पुत्री को संसार के विषय में सब कुछ सिखाती है, किंतु यहाँ पुत्री अपनी माँ की सहायता एक माँ की तरह कर रही है। सिखा रही पुत्री, देखो सीख रही है माँ, पर ना पाए पहचान है न्यारी प्रभु लीला।
समूह पर कोई जाने ना, पर कोई जाने ना। सूर्य देव की किरणें लल्ला पर पड़ने दो मैया, धूप से ही तो इसे आवश्यक शक्ति मिलेगी जिससे इसकी अस्थियां और तन शक्तिशाली बनेगो। मैं तो तुम्हें देखकर प्रसन्न था योग माया, मुझे लगा था तुम मेरी मैया का कष्ट दूर कर दोगी, पर तुमने तो मेरा ही कष्ट बढ़ा दिया। बहन होने का पूरा लाभ उठा रही हो तुम। अब हम इसे हल्दी और बेसन के मिश्रण से नहलाएंगे और संभ्रानी से सुखाएंगे। अब ये अजीब सी वस्तु क्या है? ये चिपचिपा रही है, किस बात का दंड दे रही हो बहन? मुझे पता है आप बहुत चिंतित हैं यशोदा मैया, पर नारायण पर भरोसा रखे, सब अच्छा ही होगा। इतनी सावधानी के बाद भी वो कपटी विष्णु मुझे धोखा देने में सफल हो गया। दुष्ट है वो, छलिया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक बार फिर छल का प्रयोग करके जीत जाएगा। मार डालेगा वो विष्णु मुझे। आप सभी भली भांति परिचित हैं मुझसे, जानते हैं मेरे स्वभाव को। जब जीवन पर संकट हो तो अभिमान अर्थहीन होता है, जब प्राणों पर आ जाए तो सम्मान स्वाभिमान सब निरर्थक होता है। किंतु सत्य ये है कि आज मुझे भय लग रहा है। महाराजा अधिराज कंस, जिसकी एक हुंकार पे संपूर्ण संसार कहां पुकता है, आज उसे भय लग रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भय आपके सम्मुख भटक भी नहीं सकता। क्या आपको स्मरण नहीं हम आपके मित्र कैसे बने थे? मैं भूमासुर, ये बकासुर, और वहां बैठे वत्सासुर और वाणासुर। जीवन भर में जो भी हमारे सम्मुख आया, हमें उसे यमराज के पास भेजने में एक क्षण भी नहीं लगा। किंतु फिर वो हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। विश्व विजयी असुरों को आपने सहज ही पराजित कर दिया। एक ऐसा अभूतपूर्व योद्धा महाबली कंस आज भयभीत हो रहा है। यह संभव है महाराज? जिसने आपको भयभीत करने का दुस्साहस किया है, उसके प्राण हरने का समय आ गया है महाराज। विष्णु के विरुद्ध हम सभी आपके साथ हैं। महाराज, तुम सबकी मित्रता मेरी शक्ति है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सब उस विष्णु अवतार को ढूंढने में मेरी सहायता करो। सोचो कैसे खोजा जा सकता है उसे, कहां मिलेगा वो? विष्णु, विष्णु, विष्णु। बातें तो बहुत अच्छी कही, किंतु ये क्या कर रही हो? मत डालो, नहीं, नहीं। आहा, अब आया आनंद।
सचमुच ये अत्यंत आनंददायक है। किंतु सत्य कहूँ बहन, मैया की गोद से अति सुखद और कुछ भी नहीं है। विष्णु कोई भी रूप धारण कर सकता है, हम उसे पहचानेंगे कैसे? बल का प्रयोग आसान है मत्सासुर, बुद्धि का प्रयोग करो, कुछ भी करना पड़े करो, किंतु उपाय खोजो। मिल गया उपाय, मैं जानता हूं उसे कैसे खोजना है उस छलिये को। शीघ्र बताओ बकासुर, क्या सुझाव है तुम्हारा? विष्णु जैसा व्यक्ति वही निवास करेगा जहाँ सत्य और शांति व्याप्त हो, जहाँ गायों की पूजा होती हो और बच्चे बिना किसी भय के सुरक्षित वातावरण में खेलते हों, जहाँ ब्राह्मण शास्त्रों के अनुसार जीवन यापन करते हों, जहाँ यज्ञ हवन होता हो, ऋषि मुनि तप करते हों, जहाँ विष्णु के भक्तों को पूजा आराधना करने की स्वतंत्रता हो। वाह बकासुर वाह, बिल्कुल सटीक वर्णन किया है तुमने उस विष्णु के प्रिय स्थान का। बस अब हमें केवल विनाश का नृत्य करना है। ऐसे सभी स्थानों की शांति भंग कर देनी है, यज्ञ स्थलों को भ्रष्ट करना है, मंदिरों को नष्ट करना है, ब्राह्मणों को आतंकित करना है, गायों को छीनना है और उनकी हत्या करनी है। यदि हम ऐसा करने में सफल हुए, वो समाज रक्षक विष्णु स्वयं सामने आने पर विवश हो जाएगा और मैं उसका आसानी से अंत कर दूंगा। एक नवजात शिशु की हत्या करने में क्या कठिनाई आएगी भला? जी लो मैया, हो गया। माय, मुझे ये सब सिखाने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा कर्तव्य था। मुझे बड़ा अपनापन सा लग रहा है आपके साथ, किंतु कभी मिले हो ऐसा स्मरण ना हो रहा है, समझ ना आ रहा है संबंध ही क्या है हमारा। मैया पुत्री का संबंध है हमारा। अरे मेरी बिटिया की तरह ही तो हो तुम। तो फिर आप ही बताओ माई, मैं ऐसा क्या करूं कि अपने लल्ला के लिए संसार की सबसे अच्छी मैया बन पाऊं? संसार की सबसे अच्छी मैया ही हो तुम। सदैव स्मरण रखना, तुम दोनों का मैया लल्ला बनना विधि का विधान है, विधाता की इच्छा है, श्री हरि नारायण का वरदान है ये। तुम जैसी हो बस वैसी ही रहना, अपने लल्ला की मैया, इसलिए तो आया है ये संसार में। मैया का कर्तव्य निभा पाना बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, क्या पता मैं जे निभा पाऊंगी भी कि ना। निभाओगी, बहुत अच्छे से निभाओगी तुम अपना कर्तव्य, इसीलिए तो चुना है इसने तुम्हें।
जाओ, कोई जाकर लल्ला के वस्त्र ले आओ। यशोदा, क्षमा करना यशोदा, मेरा पुत्र रोने लग गया था, उसे सुला कर आई। ये लो मेरे पुत्र के वस्त्र, नीलमणि को पहना दो। पुराने वस्त्र? यशोदा, नवजात शिशु को पुराने वस्त्र ही पहनाने चाहिए, नए वस्त्रों से कोमल त्वचा को रगड़ लग जाती है। बस एक बार इसे वस्त्रों की आदत लग जाए, फिर तुम्हें जैसे वस्त्र अच्छे लगेंगे वैसे पहनाना। जीजी, जिन्होंने लल्ला को नहलायो, मालिश की, वस्त्र भी उन्हें ही पहनाने चाहिए। नहीं माई, यशोदा किसे ढूंढ रही हो? लगता है चली गई। कौन? अरे जीजी, वही जिन्होंने अभी मेरी सहायता की। जीजी, मुझे ऐसा लगो जैसे मेरा कोई विचित्र सा संबंध है उनके साथ। मैं भी कैसी बावली हूं, ना मैंने उनका नाम पूछो, ना ही मैंने उन्हें कुछ दिया। आपने मुझे अपने हृदय से लगाया मैया, मेरे लिए संसार की समस्त नीतियों से बढ़कर है वो। यशोदा, तुम कहाँ खो गई? चलो अभी लल्ला को तैयार भी तो करना है, बाहर सारे ग्रामवासी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रहे हैं। चलो। बस एक बार वो बालक मेरे हाथ लग जाए। प्रतीत होता है आप कोई नई लीला दिखाने वाले हैं प्रभु। लल्ला का हाथ न छुड़ा पा रही मैं, नवजात बालक में इतनी शक्ति। इससे पहले कि मैया को संदेह हो, मालिश कराते ही अद्भुत शक्ति आ गई है तुम्हारे लल्ला में। चलो यशोदा, आप शीघ्रता करो, पूरा गोकुल इकट्ठा हो गया है इसके दर्शन के लिए, सब बहुत आकुल है, अलग पावड़े बिछा कर इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। Hey!
आप एक केक करके आइए, हमारे लल्ला से मिलिए और उसे आशीर्वाद दीजिए। मैं प्रथम हूं, सबसे पहले मैं मिलो हूं। मेरी गोकुल के दुलारे नंदलाल, नारायण जी से प्रार्थना है, तुम बड़े होकर हमारे राजा बनो और अनंत काल तक तुम हम सबकी रक्षा करो।